हेलो हाय स्टूडेंट, आपका एएमआर टेक्निकल क्लासेस के आईडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत बड़े अपडेट, जो कि आपको जानकर बहुत खुशी होगी, क्योंकि भोसड़ आईटीआई के अंदर जो प्लेसमेंट जो करवाए जाते हैं और उसमें आपके प्राइवेट जॉब्स में जो प्लेसमेंट होता है और प्लेसमेंट के द्वारा आपको कंपनीज में लेके जाया जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी संस्थान है, तो हम इसी के बारे में जानकारी लेके आए हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट से रिलेटेड हम बात करेंगे, ओके, जो कि कौन सी कंपनी आने वाली है आपके भूषण आईटीआई जो संस्थान है इसके अंदर जो सुजुकी कंपनी आने वाली है। और आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि भूषण आईटीआई की यूट्यूब चैनल पे आपको कैंपस प्लेसमेंट से रिलेटेड अपडेट मिलता रहेगा। और इसके अलावा हम जो भी अपडेट देंगे आपको इस कंपनी से रिलेटेड भी देते रहेंगे और प्राइवेट और गवर्नमेंट जो भी आप जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ जो भी अपडेट होता है वो आपको मिलती रहेगी। और उसके अलावा आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल की क्लासेज भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हम कैंपस प्लेसमेंट से रिलेटेड हम बात करेंगे, जो कि अपने इस भूषण आईटीआई संस्थान के अंदर कौन सी कंपनी आएगी, सुजुकी कंपनी आएगी। जो सुजुकी कंपनी है एक बहुत बड़ी जो कंपनी है और सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से हम इसको जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए सुजुकी मोटर गुजरात गुजरात के नाम से जानते हो कि SMG हम इसको बोलते हैं, सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, जो कि ये क्या करती है, जो आईटीआई पास आउट होते हैं उनको ये कंपनी लेके जाती है। यहाँ पे देखिए जो इसका स्थान है, जो कि अपने भूषण आईटीआई का जो जो आईटीआई है इसी के अंदर आपका स्थान रहने वाला है, जो कि आपको यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आपको आना है। तो वेन्यू जो स्थान रहेगा यहाँ पे भूषण आईटीआई प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो सिरसी मोड जयपुर में आपकी स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा जो इसकी कैंपस प्लेसमेंट की जो डेट रहेगी, कैंपस डेट जो आएगा कंपनी वाले जो आने वाले हैं यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए, यहाँ पे 19 अप्रैल 2023 को कंपनी आएगी, जो कि आपका टाइमिंग क्या रहने वाला है, मॉर्निंग के 10 AM, ओके, मॉर्निंग में आपको 10 बजे यहाँ पे कंपनी के लिए प्लेसमेंट के लिए आपको पहुँच जाना है, जो कि भूषण आईटीआई संस्थान के अंदर आपको आना है। यहाँ पे आपके पास विशेष विवरण होना चाहिए कि मतलब उसके अकॉर्डिंग जो आप कंपनी में कैसे कैसे आप जा सकते हो, उसके साथ साथ में आपको ये अपडेट रहना चाहिए कि आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या चाहिए, आपकी योग्यता होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए कि आपके पास आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए जो कि NGVT से मान्य हो, ओके, आपकी एज का क्राइटेरिया उन्होंने रखा है जो कि एज रहेगी आपकी 18 से लेकर के 23 ईयर्स तक, और उसमें आपका 23 साल से लेकर के 23 साल और 11 मंथ, कहने का मतलब इसका ये हो गया कि 24 साल वाले जो भी ट्रेनी रहेगा या जो भी स्टूडेंट रहेगा उसको जो एज रहेगी वो 23 साल 11 मंथ तक अगर रहती है तो उसको कंपनी लेके जाएगी, और अगर 11 मंथ से अगर अधिक होता है, मतलब अगर वो 24 ईयर्स का होता है तो उसको कंपनी नहीं लेके जाएगी, ओके। तो यहाँ पे आपका एज का क्राइटेरिया फिक्स रखा गया है, जो कि एज कितनी रहनी चाहिए आपके 18 साल से लेकर के 23 साल और 11 मंथ तक आप इस कंपनी में आ सकते हो अगर आपकी एज इतनी है। और आपका जो बैच होना चाहिए, जो कौन कौन से बैच वाले यहाँ से जो पास आउट हो रखे हैं या अदर किसी भी कॉलेज से अगर आप पास आउट हो रखे हो तो आप अपने इस संस्था में आ सकते हो और अपना प्लेसमेंट ले सकते हो, जो कि 2017 के पास आउट होनी चाहिए, 2017 के बाद वाले जितने भी हैं, 2017 का पास आउट हो सकता है, 2018 का हो सकता है, 2019, 2020, 2021 एंड 2022 तक का आपका मतलब प्लेसमेंट कंपनी लेके जाएगी, ओके, 2017 से पास आउट होकर के 2022 तक, अगर इनकी एज अगर कम है, एज अगर 23 साल और 11 मंथ तक की अगर है तो वो इस कंपनी में जा सकता है, ओके। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपके 10th के अंदर जो परसेंटेज होनी चाहिए, मिनिमम परसेंटेज इन्होंने मांगी है, जो कि कितनी परसेंटेज मांगी है, 40% आपकी होनी चाहिए। उसके अलावा आपको बताना चाहेंगे जो आईटीआई है, आईटीआई के अंदर कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, 50% होनी चाहिए, जो कि इन्होंने अब की बार बहुत ही कम मिनिमम क्राइटेरिया रखा है जो कि परसेंटेज का है। और बाकी अगर पहले जब भी कंपनी आती थी तो 10th के अंदर 55% या 50% से अबव मांगा करती थी और आईटीआई के अंदर 60% से अबव होनी चाहिए थी, ओके। तो अभी फिलहाल इन्होंने कम किया है परसेंटेज का रेशियो, तो बहुत अच्छी बात है कि जिनके परसेंटेज की वजह से जो सुजुकी कंपनी में जो नहीं जा पा रहा था वो अब जा सकता है, ओके। तो यहाँ पे हमने अभी तो बात कर ली कि कौन सी एज वाला और कौन से बैच वाला यहाँ पे जा सकता है, और परसेंटेज 10th के अंदर कितनी होनी चाहिए, 40%, और आईटीआई के अंदर कितनी होनी चाहिए, 50% होनी चाहिए। अब आपकी जो ट्रेड होती है, ओके, सेकंड नंबर का पॉइंट क्या बताना चाह रहे हैं आपको ट्रेड के बारे में, ओके, तो आपके पास कौन सी ट्रेड होनी चाहिए, फिटर ट्रेड वाला इस कंपनी में जा सकता है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाला जा सकता है, मैकेनिकल डीजल वाला जा सकता है, मोटर मैकेनिक का भी जा सकता है, टर्नर का जा सकता है, मशीनिस्ट का जा सकता है, वेल्डर का, टूल एंड डाई मेकर का, मतलब ETC, अगर जो भी अगर 2 ईयर्स का जो कोर्स होता है अगर उसमें अगर जाना चाहता है तो वो जा सकता है, जो कि सुजुकी कंपनी
इतने सारे ट्रेडो वाले स्टूडेंट जो पास आउट होते हैं उनको ये कंपनी लेके जाएगी। ओके, तो उसमें इलेक्ट्रिशियन, फीटर, मैकेनिकल, डीजल, मोटर मशीनिस्ट, इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना प्लेसमेंट ले सकते हैं। ओके, तो अदर ब्रांचों के लिए भी अलाउ कर रखा है, और यहाँ पे फीटर, इलेक्ट्रिशियन और मैकेनिकल, डीजल वालों को तो जाना ही जाना होता है। ठीक है, उसके बाद में आपका जो कार्यस्थल होता है, जो आपको काम कौन सी जगह आपको करना होता है, और कंपनी का जो जो कंपनी इसकी जो ब्रांच है वो कौन सी जगह आपकी स्थित है, जो कि आपको वहाँ पे जॉब करने के लिए आपको मतलब वहाँ पे रखा जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो कार्यस्थल रहेगा आपका हंसलपुर बेचराजी गुजरात में है। ओके, जो कि आपका अहमदाबाद से थोड़ा आगे होता है, और अहमदाबाद से भी आगे और मेहसाणा के मतलब मेहसाणा और अहमदाबाद के ये बीच में आता है। ओके, जो कि एक बेचराजी एक गांव है छोटा सा, तो वहां पे ये कंपनी वहां पे बन रखी है। ओके, तो यहां पे आपको बेचराजी जो हंसलपुर है वहां पे आपको इस कंपनी के अंदर प्लेसमेंट के लिए आपको जाना रहेगा, जो कि आपको कार्य करना कहाँ पे है, यहाँ पे आपको कंपनी में काम करना होता है। ओके, जॉब लोकेशन आपका यहाँ पे हंसलपुर बेचराजी रहने वाला है। और आपका जो वेतन रहने वाला है, जो वेतन कितना रखा गया है, इन्होंने वेतन बहुत अच्छा रखा है कि 21,000 से लेकर के इससे क्या मतलब, जो 21,000 जो आपका रहेगा ये सीटीसी रहेगा। ओके, सीटीसी का मतलब हो गया कि जो आपको टोटल जो पेमेंट मिलेगा वो 21,000 रुपये मिलेगा, और उसमें से अगर आपको कुछ फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करवाई जाती है कंपनी की तरफ से, अगर आप उन फैसिलिटीज का अगर आप उनको ले लेते हो, जैसे रूम फैसिलिटी होती है, कैंटीन का खाना होता है, अगर वो आप सब कुछ लेते हो तो उनका अलग से आपका चार्ज कटता है, तो वो आपको चार्जेस कटवाना होता है। और उसके अलावा जो पीएफ होता है वो पीएफ भी आपको यहाँ से कटवानी होती है। ओके, तो उसमें से आपको कम से कम आपके स्टार्टिंग के जो रहेंगे 21,000 रुपये रहेंगे, और कट पिट करके आपको लगभग 15,000 रुपये के आसपास आपको पेमेंट मिल जाता है। ओके, ये सब कुछ आपको कट करके इतना पेमेंट आपको मिल जाता है। ओके, और इसके अलावा जो आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पे फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लेके जाती है कंपनी, जो कि कितने मंथ के लिए आपको रखेगी, 7 मंथ्स के लिए रखती है। ओके, कंपनी में एफटीसी का मतलब क्या होगा, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है, जो कि आपको 7 मंथ के लिए ये कंपनी आपको लेके जाएगी। कितने मंथ के लिए, 7 मंथ्स के लिए। ओके, 7 मंथ्स के लिए आपको कंपनी रखती है। अगर इसके बाद में अगर आप काम अगर इस कंपनी में सही तरीके से करते हो, और अगर सुपरवाइजर से अगर आपकी बातचीत अगर अच्छी रहती है, तो कंपनी आपको आगे के लिए भी कंपनी रखना मतलब रख लेती है। ओके, कंपनी आपको आगे के लिए भी रख लेती है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया, अगर आपका एक्सपीरियंस सही है, अगर आप अच्छा काम करते हो और आपकी पर्सन जो अटेंडेंस होती है अगर वो कम नहीं रहती, मतलब आप किसी भी कारणों से अगर आप छुट्टी नहीं करते हो, 100% अगर आपकी अटेंडेंस रहती है, तो वहाँ पे आपको परमानेंट भी कर दिया जाता है। ओके, तो आप इस भरोसे ना रहे कि आपको कंपनी 7 मंथ्स के लिए रखती है, कंपनी आगे के लिए भी आपका टाइम बढ़ाती है, आपको देखना चाहती है कंपनी की जो भी अपने पास जो आ रखा है ये कितना काम करता है, और कितनी परसेंटेज मतलब अपनी 100% रखता है कि नहीं रखता है, ये सब कुछ आपका देखा जाता है, और आपकी सुपरवाइजर से किसी की बातचीत रहती है, ये सब कुछ आपका कंप्लीटली वहाँ पे परफॉर्मेंस देखी जाती है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको कंपनी में अच्छे से आगे के लिए आपको रखने के लिए आपका FTC 2 के अंदर होता है, CT 1 होता है, CT 2 होता है, CT 3 होता है, और 3 साल का जो आप अगर ये कंप्लीट सही तरीके से अगर कर लेते हो तो आप उस कंपनी में परमानेंट भी हो जाते हो। ओके, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर कैंपस प्लेसमेंट से रिलेटेड या अदर गवर्नमेंट जॉब से अगर रिलेटेड जो भी कोई अपडेट आएगा तो वो हम आपको देते रहेंगे। ओके, तो आपसे